तो सबसे पहले नोट्स सीखते हैं। ये है आपकी स्लिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं बोलाइन, बोलाइन नॉट। तो बोलाइन नॉट के लिए एक तरीका ये है, आपने स्लिंग लिया, ये आपका है डेड एंड या डेड रोप, ये आपका रनिंग रोप, ठीक है। तो डेड रोप को रनिंग रोप के ऊपर रखने का और ये पास कर घुमा देने का। अब इसको स्टमक के अंदर से ले जाने का, और जो आपने रनिंग रोप पकड़ रखी है उसको पकड़े रहो, उसके नीचे से पास करना है अभी, और जो आपका यह लूप बना है हैंड, इसमें से खींच दो, ठीक है। अब ये रनिंग रोप और ये डेड रोप दोनों को खींच दो, ये सेप बनेगा आपका, ठीक। अब इसको टाइट करना है तो इसको घुमाओ और इसको खींच दो, ठीक है। एक सेफ्टी नॉट लगा दो, बस ये आपकी हो गई बोलाइन। अब बोलाइन को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। मान के चलो ये आपकी रोप, ठीक है, ये बाहर ही निकाल देता हूँ, स्लिंग या रोप से भी बना लो। तो आपने ये मोड़ा, एक ट्विस्ट लिया अंदर की साइड, यानी जो आपका डेड एंड बन रहा है, डेड एंड, वो डेड एंड ऊपर की तरफ रहेगा, ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ आना चाहिए। ये आपने एक ट्विस्ट दिया, इसके बाद इसको नीचे से पास कर देना है डेड एंड को या डेड रोप को। इसके बाद जो रनिंग रोप है उसके नीचे से पास करना है और वापस इस ट्विस्ट में आपको डालना है और खींच देना है। ये आपकी बनी पो लाइन। इसमें एक सेफ्टी नॉट ऐसे दे दो, बस सेफ जो आएगा आपका वही ये आएगा, ये हो गई आपकी बोलाइन। अब बोलाइन का यूज क्या होता है, जब फर्स्ट क्लाइंबर क्लाइंब करता है तो बोलाइन बांध के वो क्लाइंब कर सकता है। इसके बाद आपकी आएगी फिगर ऑफ एट। डबल लूप लिया, इसको एक बार पीछे से घुमाया, एक बार आगे से घुमाया, अब फिर से ये पीछे वाले लूप में से आपको पास कर देना है। ये आपकी बनी फिगर ऑफ एट। इसका भी यूज रोप फिक्सिंग के लिए करते हैं, इसका यूज हम सेफ्टी नॉट लगानी जरूर है। इसके बाद आपका आया थंब नॉट। तो थंब नॉट को हम सिंपल ये लिया और इस रोप पे एक सेफ्टी नॉट लगा दी। ओवर हैंड लूप नॉट, ओवर हैंड लूप नॉट को मिडिल मैन नॉट भी कहते हैं। ओवर हैंड लूप नॉट के लिए आपने डबल लूप लिया, सिंपल एक ट्विस्ट दिया, ये दिया, और आगे की तरफ से पास कर देना है। अगर आप इसको पीछे की तरफ से पास कर देंगे तो ये फिगर ऑफ एट बन जाएगी, आप आगे की तरफ से पास कर देंगे तो ये बन जाएगी आपकी थंब नॉट, वो मिडिल मैन या ओवर हैंड लूप नॉट। ओवर हैंड लूप नॉट का यूज, तो इसके पांच यूज होते हैं। अगर इसको लूज करना है, टाइट करना है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ये ओवर हैंड लूप नॉट, सेफ्टी नॉट दे देनी है बाद में। इसके पांच यूज हैं, सबसे पहले रोप फिक्सिंग के लिए, उसके बाद बिले देने के लिए, इसमें आप ऐसे बांध के इसको चेस्ट पे बढ़ा करके बिले दे सकते हैं। तीसरा, रोप अगर आपकी बड़ी है क्लाइंबिंग रोप, तो आप बीच में कहीं भी ओवर हैंड लूप नॉट दे दीजिए और वो रोप वहीं से कम हो जाएगी। इसके बाद डैमेज पार्ट दूर करने के लिए, अगर रोप का कोई पार्ट डैमेज है तो उसको दूर करने के लिए हम ओवर हैंड लूप नॉट का यूज करते हैं। पांचवा, टीम क्लाइंबिंग के दौरान इसको मिडिल मैन क्लाइंबिंग के लिए यूज करता है, ये हो गई।
सेम जो यूज मिडिल मैन या ओवर हैंड लूप के हैं वही फिगर ऑफ एट के भी हैं। इसके बाद हो गई आपकी क्लो हिच। तो क्लो हिच के लिए दो तरह से बनती है, एक तो ये आपका एक लूप, दूसरा ये लूप। अब ये दो लूप बने हैं, देखो इसमें एक एंड इधर आ रहा है, एक इधर, ठीक है। अब इन दोनों को ऐसे नहीं रख देना है, ऐसे रख दोगे तो फिर तो ये खुल जाएगा, आपको अपोजिट रख देने क्रॉस करके। जब आपने क्रॉस करके रखे तो ये वाला शेप आएगा, इसमें आपको सेफ्टी नॉट दे देनी है बस। ये आपका है क्लो हिच, इसको भी हम रोप फिक्सिंग के लिए यूज करते हैं। इसके बाद आपकी आएगी एंडमैन। तो एंडमैन के लिए क्या करेंगे, कमर का नाप ले लो और यहाँ पे एक सेफ्टी नॉट लगा दो। सेफ्टी नॉट लगाया, अब आपको जो आपका डेड रोप है इसके अंदर से पास कर देना है इस तरह से, और इधर एक सेफ्टी नॉट लगानी है। इस तरह से ये शेप आपका आएगा, टाइट कर देनी है, टाइट इसको कर सकते हैं। मेन चीज़ वही है, किस तरह से बनती है वो देख लो। सबसे पहले आपने स्लिंग से या रोप से अपना कमर के साइज का नाप लिया थोड़ा एंड मैन के लिए, ये लगा दिया आपने सेफ्टी नॉट, ओके। अब जो आपका रनिंग एंड रोप है, टेड रोप, इसको पास कर देना इसके अंदर से इसी डायरेक्शन में, गॉट इट, इसके अंदर, और एक सेफ्टी नॉट लगा देनी है। टीम क्लाइंबिंग के दौरान इसको एंडमैन यूज करता है, इक्विपमेंट खोलते हुए जब ऊपर आता है, ठीक है। अब आपकी आएगी ज्वाइनिंग नॉट। ज्वाइनिंग नॉट कौन कौन सी हैं, दो बताइए फिलहाल, तो दो बता रहा हूँ। एक है सबसे पहले रीफ नॉट, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ रीफ नॉट। ये आपने दो एंड लिए, जो ऊपर का एंड है वो ऊपर रखा, ये नीचे वाला, तो नीचे वाले को एक बार घुमाया, घुमा दिया। अब जो ऊपर का एंड था उसको ऊपर ही रखना है और एक बार घुमा देना है। ये आपका आया रीफ नॉट। इसको अगर चेक करने का क्या तरीका है कि ये सही है कि नहीं रीफ नॉट, तो ये देखो इसमें लूप बन रहे हैं, दोनों एक दूसरे को ये जाम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको मैं दूसरी ज्वाइनिंग नॉट बताता हूँ, उसका नाम है फिशरमैन। तो फिशरमैन के लिए क्या करेंगे, फिशरमैन भी यूज होती है दो रोप को जोड़ने के लिए। दो एंड लिए, इस एंड से इस पे एक सेफ्टी नॉट लगा दीजिए, और इससे दूसरे वाले पे सेफ्टी नॉट लगा दीजिए। तो जो आपने सेफ्टी नॉट लगाई है एक्चुअली यही फिशरमैन है, बट ये फिशरमैन है सिंगल सिंगल जब लगाई है, लेकिन आपको इसमें एक सेफ्टी नॉट और देनी है जिससे कि आपका ये मजबूती ज़्यादा रहे। Thank you.